क्वेश्चन में एक आए, अ बॉडी ऑफ मास एम मेक्स इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट. शो दैट द इफ द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन द बॉडीज गो एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन. हाँ, अ बॉडी ऑफ मास एम मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट. सो इफ यू हैव वन बॉडी मास एम का और ये मान लो यू से जा रहा है और हेड ऑन कोलिजन नहीं है, तो हमने कह दिया दूसरा एम है और ई वन दिया है, इलास्टिक कोलिजन दिया है, तो शो दैट आफ्टर द इम्पैक्ट दे गो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. तो इट्स नॉट टफ, इसने ये दिया होगा कि एंगल ऑफ इम्पैक्ट दे रखा होगा, बेसिकली ये एंगल थीटा दे रखा होगा. सो हम ये कह देंगे या थीटा का मान लेना, तो हम कहेंगे जब कोलाइड करेगा तो इम्पल्स ऐसे लगेगा, इस पे इम्पल्स ऐसे लगेगा, ठीक है, सिस्टम पे इम्पल्स लगेगा नहीं, यस सर. एंड वेलोसिटी डायग्राम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इधर हो गया सपोज से वी टू, यस सर, ये वाला तो सेम रहेगा यू साइन थीटा और इधर हो जाएगा वी वन, यस सर, वी सेपरेशन हो जाएगा वी वन प्लस वी टू इज ई, वी अप्रोच हो जाएगा यू कॉस थीटा. यस सर, किसके अलोंग लगाना होता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यू कॉस थीटा इज वी वन प्लस वी टू, यस सर, एंड कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लगा दो, यस सर, तो ये हो जाएगा एम यू कॉस थीटा इज एम माइनस वी वन प्लस एम वी टू, यस सर, तो माइनस वी वन प्लस वी टू इज यू कॉस थीटा. यस सर, आई थिंक इससे वी टू तो आ गया यू कॉस थीटा और वी वन आ गया जीरो, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के रिजल्ट से एक लाइन में बोल सकते थे, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इंटरचेंज कर दो. यस सर, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इंटरचेंज करोगे तो पहले वाले की तो थी ही नहीं, सॉरी सेकंड वाले की तो थी ही नहीं, तो उसकी तो पहले वाले पे आ जाएगी, तो इसकी तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होगी ही नहीं. yes, और ये सेम रहेगी यू साइन थीटा और इसकी इंटरचेंज होके यू कॉस थीटा हो जाएगी, तो सेकंड वाला तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही चलेगा और पहले वाला कॉमन टेंजेंट के अलोंग ही चलेगा, तो दे विल मूव एट राइट एंगल्स.